दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं हूं राकेश और बात करें आज फिर से दोस्तों इस वीडियो के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट टेक अपडेट्स के बारे में। आज जो है बहुत ज़्यादा यहां पर कंप्रेस फिर से कर दें हैं टेक अपडेट्स को, मोस्ट इंपोर्टेंट ही आपको यहां पर मिलने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, नहीं किया है तो नोटिफिकेशन के बेल आइकन के साथ साथ जो है लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट भी कर दें नीचे। तो चलिए वीडियो को आरम्भ करते हैं। सबसे पहले अपडेट की बात करें दोस्तों निकली आ रही है रेडार इमेजिंग सैटेलाइट की, जो कि इंडिया की तरफ से ही यहाँ पर ऊपर की तरफ भेजी गई थी। ये एक जो है सर्विलेंस कैपेबिलिटीज की सैटेलाइट है। 22 डेज के अंदर एक बार जो है जहाँ पर इसे प्रोग्राम किया गया वहाँ की काफ़ी सारी जो है लाइव इमेजेज निकाल कर देती है। ये है GIZ, इंडियन एयरफोर्स और साथ ही जो है बॉर्डर्स सबको ये कंट्रोल करती है, ऊपर से ही देख कर ये बता देती है। तो सिक्योरिटी जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाती है हमारे बॉर्डर्स की इसके साथ। तो अभी जो है इसे स्टार्ट कर दिया गया है और पूरी तरह से जो है सर्विलेंस करने के लिए चल पड़ी है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर AT&T, सैमसंग के जो गैलेक्सी फोल्ड थे उनके जो प्री ऑर्डर्स थे उनको यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है, बैन कर दिया है AT&T ने, और कहा है कि जो पिछली बार हुआ वो दोबारा यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने लोगों ने यहाँ पर प्री ऑर्डर बुक किए थे उन सबको यहाँ पर डिवाइस नहीं मिली, क्योंकि प्रोडक्शन ही यहाँ पर रोक दिया था सैमसंग ने, और डिवाइसेज की जो शिपमेंट थी उसको भी रोक दी थी। जो फोल्डेबल स्मार्टफोन है इसके अंदर एक बग था डिस्प्ले के अंदर, इसके चक्कर में जो है फिर से यहाँ पर 6 मंथ का टाइम ले लिया। अभी जो है लॉन्च हुआ नहीं है, अब दोबारा से लॉन्चिंग है इसकी, देखते हैं कब तक ये कर पाता है। नेक्स्ट डेट की बात करें दोस्तों निकल आ रही है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, बुल्ट इन लाइनक्स कर्नल वर्जन ये विंडो 10 के लिए रेडी कर रहे हैं, जिससे जो परफॉर्मेंस की स्पीड है वो और भी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगी, बार बार रिफ्रेश करने की प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाएगी, और जो CPU से विंडोज़ परफॉर्मेंस निकालती है वो और भी जो है लाइटली यहाँ पर हो जाएगा। लाइटली का मतलब ये है कि यहाँ पर लाइट की स्पीड से तेज़ी से यहाँ पर काम करना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट डेट की बात करें दोस्तों निकल आ रही है व्हाट्सअप की तरफ से, एक नई वार्निंग निकल के आई है व्हाट्सएप की तरफ से। कल हमने व्हाट्सएप जेल के बारे में बात की थी, आज व्हाट्सएप की तरफ से वार्निंग है। लीगल एक्शन एक्टिवेशन सिस्टम जो है जल्दी शुरू कर रहा है, यहाँ पर जो है 9 दिसंबर को ये स्टार्ट हो जाएगा, और जो बुल्क मैसेजिंग नॉन पर्सनल यूज या फिर जो फेक न्यूजेज हैं या फिर व्हाट्सएप का जो लोग यहाँ पर मिसयूज वगैरह कर रहे हैं उन सब के लिए जो है हो सकती है। तो मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर जो है फेक न्यूज़ के खिलाफ यहाँ पर लड़ना चाहिए। अगर कोई फेक न्यूज़ आ जाती है तो बिना उसे सोचे समझे आगे शेयर बिल्कुल भी ना करें, तो आप फंस सकते हैं। नेक्स्ट डेट की बात करें दोस्तों उबर की तरफ से हैं, खुलासा किया उबर ने नेक्स्ट जनरेशन की वोल्वो सेल्फ ड्राइविंग कार यहाँ पर बनाई जा रही है स्वीडन के अंदर। कार की असेंबली वगैरह सब वहीं पर हो रही है। मॉडल है यहाँ पर उबर XC90 इस कार का, और 2020 में से चलाएगा या फिर स्टार्ट करेगा जो भी है। लेकिन ये सेल्फ ड्राइविंग कार जो है पूरी तरह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मजबूत बताई गई, और पूरी तरह से जो है ऑटोनोमस यहाँ पर चल सकती है, मैन्युअली भी इसे कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट डेट की बात करें दोस्तों निकल आ रही है गूगल की तरफ से, गूगल ने नया फंडा अनाउंस कर दिया। जो गूगल की ड्राइव और फोटोज़ हैं जिनके ऊपर हम फोटोज जाती हैं और ड्राइव के ऊपर बाकी अपने डेटा जाते हैं, तो ये जो कन्फ्यूज़न है इसे दूर करने के लिए जल्दी इसे यहाँ पर बंद कर रहा है, और साथ ही जो है यहाँ पर ऑटो साइन सिस्टम लगा रहा है, जिसको जहाँ पर जाना है वो अपने आप यहाँ पर जाने वाला है, मतलब मैनुअल कंट्रोल यहाँ पर बंद कर देगा पूरी तरह से, और आप चाहते हैं साइन के ना हो तो उसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट डेट की बात करें दोस्तों निकल आ रही है सैमसंग की तरफ से, रोलेबल डिस्प्ले वाला एक पेटेंट यहाँ पर अप्लाई कर दिया सैमसंग ने, और डिस्प्ले को जो है खींच कर यहाँ पर लंबी कर सकते हैं, मतलब जैसा कि सोप के ऊपर शटर होता है जिसे ऊपर नीचे करते हैं, इसी प्रकार से वाली डिस्प्ले रोल होने वाली है, जैसे आप फोटो में देख पा रहे हैं कुछ इसके पेटेंट फोटोज। तो देखते हैं सैमसंग क्या कमाल कर पाता है। अभी तक तो सैमसंग का जो फोल्डेबल फ़ोन है वो भी लोगों को यहाँ पर नहीं मिल पाया, उसके अंदर भी बग है। अब ये रोलेबल डिस्प्ले कब तक निकल के आ रही है। नेक्स्ट डेट की बात करें दोस्तों निकल आ रही है हुआवे के Mate 20X को लेकर, 5G वर्जन जो है 3C सर्टिफिकेशन यहाँ पर ले चुका है, लॉन्च भी जो है काफ़ी जल्दी किया जा सकता है, कुछ रिपोर्ट्स इस प्रकार से यहाँ पर बता रही हैं। 7.2 इंचेज की इसके अंदर जो है OLED Full HD+ डिस्प्ले है, क्रीन 980 का इसके अंदर जो फ्लैगशिप CPU चल रहा हुआ इसमें दिया गया, 6GB की रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज का यहाँ पर खुलासा हुआ है, साथ ही 22.5W की फास्ट चार्जिंग भी इसमें आपको यहाँ पर मिलती है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के होने के भी यहाँ पर चांसेज हैं। नेक्स्ट डेट की बात करें दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी टैब S5 को लेकर, जो कि स्नैपड्रैगन 855 के साथ आएगा, S10 स्टाइलस इसके अंदर होगा, और अगस्त के अंदर ये लॉन्च हो रहा है। एक बड़ी सी डिस्प्ले के साथ आपको शायद टैब S5 पसंद आए, मतलब टैब S5 आपको चाहिए नहीं चाहिए, अभी यूज़ कर रहे हैं आप और आप चेंज करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, काफ़ी सारे होंगे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। नेक्स्ट डेट की बात करें दोस्तों निकल आ रही है LG W सीरीज़ की तरफ से, यहाँ पर एक लाइव इमेज स्पॉट हुआ ऑनलाइन पता चला, इसके अंदर जो है रियर में ट्रिपल कैमरा कंफर्म है। भाई बिल्कुल बजट वाले LG के फ़ोन के अंदर यहाँ पर पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा दे दिया है,
फिंगरप्रिंट इसके अंदर भी पीछे दे दिया है, बजरते अगर सीपीयू अच्छा हुआ तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा इसके साथ, अगर सीपीयू अच्छा नहीं हुआ तो काफ़ी मतलब गड़बड़ होने वाली है, मतलब ट्रिपल रियर कैमरा करने वाले क्या हम भाई, अच्छा सीपीयू इसके अंदर चाहिए, कुछ तो कर पाएँ। तो ये है LG की W सीरीज़, जो कि शायद सैमसंग की जो M और A सीरीज़ है या फिर Xiaomi Realme के चल रहे हैं उनको बीट करने के लिए, उनसे टेक ओवर करने के लिए जो भी ये निकाल रहा है। ये थी दोस्तों आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होंगी, ज़्यादा समय शायद मैंने नहीं लिया है टेक अपडेट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताते हुए आपसे। अभी फिलहाल यही विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने नहीं किया है तो, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करें, बिल्कुल भी कमेंट आप नहीं करते हो तो कर दीजिए कमेंट, अच्छा लगेगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक और फ्रेश वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।